चलिए सबसे बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। समान काम के लिए समान वेतन। जी हां, लाखों करोड़ों कर्मचारियों का यह सपना अब पूरा हो गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है और ऐतिहासिक फैसला देते हुए अस्थायी कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी रेगुलर एम्प्लॉय जितनी ही सैलरी मिलनी चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों के समान काम करता है या जिम्मेदारी निभाता है तो उसे दूसरे कर्मचारियों से कम सैलरी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कम पैसे में इच्छा से काम नहीं करता बल्कि खुद की प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर इसलिए काम करता है ताकि अपना परिवार चला सके। तो सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्य बेंच ने कहा कि कल्याणकारी राज्य में इस तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी समान काम के लिए समान वेतन दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश भर के लाखों अस्थायी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इस फैसले से सभी राज्यों के विभिन्न सरकारी विभागों में और कार्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान वेतन मिलने का रास्ता अब खुल गया है। प्रदेशों में करीब करीब हर विभाग में अस्थायी कर्मचारी बड़ी संख्या में काम करते हैं, तो वहीं केंद्रीय दफ्तरों में भी अस्थायी कर्मचारियों की संख्या अच्छी खासी है। आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के अस्थायी कर्मचारियों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी के बराबर सैलरी नहीं दी जा सकती और उस फैसले को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन जरूरी है। उधर समान काम समान वेतन के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करने की कोशिशें भी अब शुरू हो गई हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए 8 नवंबर को सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक बुलाने का फैसला किया गया है। इस बैठक में सभी विभागों से सुप्रीम कोर्ट के समान काम समान वेतन के फैसले को लागू करने से संबंधित सुझाव मांगे गए हैं, यानी जल्द से जल्द अब इस फैसले को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इस पर सिस्टम का ध्यान है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। ब्रजेश, अब माना जाए कि एडहॉक पर कॉन्ट्रैक्ट पर जो कर्मचारी काम करते थे उन्हें भारी रिलीफ मिलेगा, बहुत राहत मिलेगी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं दीपावली से पहले लाखों एम्प्लॉई ऐसे हैं जो एडहॉक में काम कर रहे हैं, स्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए बम्पर दिवाली होने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उससे उनको एक बड़ी राहत है। लेकिन सरकार के कहीं ना कहीं कोष में एक बड़ा बोझ भी पड़ने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इसके लेकर के कार्रवाई भी शुरू कर दी है, आज गोपाल राय ने इसको लेकर बैठक भी की। अब अगली बैठक सभी विभागों को लेकर के 8 नवंबर को ये पूरी बैठक होगी इसके बाद, और उम्मीद की जानी चाहिए कि लगभग इसमें सहमति बन जाएगी। लेकिन केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर अब इसको लेकर सुगुघाट शुरू हो गई और जल्द से जल्द इस फैसले को इम्प्लीमेंट करना ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये राहत है उन लाखों अस्थायी कर्मचारियों के लिए, और सबसे बड़ी राहत है पंजाब और हरियाणा कर्मचारियों के लिए जिन्होंने जिनको हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को ही पलटते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया है कि वेलफेयर स्टेट में कैसे हो सकता है कि एक ही काम के लिए अलग अलग वेतनमान हो, अलग अलग व्यक्तियों को वेतनमान दिया जाए। स्थायी या गैर स्थायी कोई मायने नहीं रखता है, बल्कि अगर आप काम कर रहे हो उतने घंटे काम कर रहे हो उसी पद में काम कर रहे हो तो उतना ही वेतन आपको दे होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए ब्रजेश। अब देखना है कि सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है, क्योंकि स्थायी कर्मचारियों का भी वेतन कई बार लटके होते हैं। ऐसे में अस्थायी कर्मचारियों को एक समान वेतन यानी स्थायी जितना ही वेतन देने में सरकार कैसे कामयाब हो पाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये आदेश दे दिया है, सरकारों को इसे लागू करना होगा।